दुर्ग जिले की ACCU की टीम ने जामुल थाना पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर संयुक्त अभियान चलाकर जामुल थाना क्षेत्र के फौजी नगर 32 एकड़ में किराए के मकान में दबिश देकर लोटस 365 बुक 46 नाम के ब्रांच में दो पैनल का संचालन कर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 5 सटोरियों को पकड़कर उनके कब्जे से विभिन्न बैंक के खातों के ATM कार्ड, चेकबुक, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल व ऑनलाइन सट्टे से जुड़े अन्य दस्तावेज को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग SP शलभ कुमार सिन्हा ने जानकारी इस तरह से दी है। दुर्ग जिले में लगातार महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी काफ़ी सारे जो पैनल्स और ब्रांचेस हैं उनको पकड़ करके काफ़ी लोगों को, काफ़ी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है वो लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा, जहाँ पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक नग लैपटॉप मिला है और साथ साथ 13 मोबाइल फोन्स मिले हैं। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अभी पिछले 6-7 दिन से इन लोगों ने एक नया लोटस के नाम का पैनल लिया था और उसके बाद ये इसको संचालित कर रहे थे। इससे संबंधित जो भी आगे के लिंक्स हैं उनकी भी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इनसे इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड्स भी मिले हैं और 3 बैंक अकाउंट्स का पता हमको चला है, जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई और उनसे संबंधित जानकारी हम लोग बैंक के माध्यम से ले रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी उनको भी पकड़ने की, उनकी जानकारी लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, ये ऐप चलाने वाले जो सुपर होल्डर्स हैं उनके लिए जो विदेश में जाकर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उस प्रक्रिया को बता दीजिए कि अक्रॉस बॉर्डर जाकर या देश जाकर हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें, और आप लोगों ने ऐसे प्रयास कितने बार किए हैं ये बताएं। देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में जिनकी गिरफ्तारी, उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है जिसमें भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जानी होती है। फिलहाल जो है हम लोगों ने इनके आने जाने पे नज़र रखने हेतु जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो जारी करने का प्रयास चालू किया है, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर भी लिखा है कि अगर ये अपने पासपोर्ट नंबर से भारत में आना या भारत से जाना चाहते हैं तो तत्काल जानकारी हमको मिल जाए। और इस तरीके से जितने लोगों के नाम हमारे पास में सबके अगेंस्ट इस तरीके का सर्कुलर जारी किया जाएगा।